अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 के लेक्चर नंबर 1 के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो ये हमारा जो कोर्स है, बेसिकली इसका जो हमारा पहला हिस्सा है वो कम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो उसमें सबसे पहले हम आज जो हमारा पहला जो लेक्चर का पहला सेक्शन है, इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स या जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, ये इनका यूज़ जो है डेली लाइफ में कहाँ पे है। तो बढ़ते हैं हम अपने इस जो है वो सेक्शन की तरफ। तो देखें इसकी कुछ एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में हैं। देखें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखें तो कम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स जो हैं, इनकी इनके मौजे वजूद में आने यानी इनकी दरियाफ्त से पहले जो हमारे पास इक्वेशंस थी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स या सॉल्यूशंस रियल लाइन के ऊपर हमें नहीं मिलते थे, तो वो जब आती थी तो हम उसको लिख देते थे कि इसका तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो जब हमें पता चल गया कि रियल लाइन के अलावा भी नंबर्स हैं जो रियल लाइन से हट के जो एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर इन नंबर्स के मौजे वजूद में आने के बाद इस तरह की इक्वेशंस जो है उनका सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास क्या आता था, यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते थे तो वो आ जाता था नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। और चूंकि हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर रूट भी हम डिफाइन कर सके और उसका आंसर रियल लाइन पे एग्जिस्ट करे, तो हम इसको लिख देते थे कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके आने के बाद हम लोग सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि भाई ये तो आयोटा जो है वो इसका सोल्यूशन है। और वैसे भी जो हमारे पास इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये कौन से नंबर हैं जिनका जो स्केयर है वो आपके पास नेगेटिव आता है, यानी ये नेगेटिव नंबर का स्केयर रूट डिफाइन करते हैं। उसके बाद और अगर हम देखें तो ये जो रियल नंबर हैं सारे के सारे आपके, ये भी बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स के जरिए से, यानी ये इतने वसी और रीज हैं, इतने इनका ब्रॉड जो है ना स्पेक्ट्रम आप कह लें कि ये अपने अंदर सारे नंबर्स को समो लेते हैं। इवन के रियल नंबर्स भी जो हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर्स को अंदर लिखे जा सकते हैं विद उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो लेते हुए, आयोटा वाला पार्ट उनका जीरो लेते हुए सारे रियल नंबर भी जो है वो इसके अंदर समा जाते हैं। ये इनका एक बहुत ही इफेक्टिव यूज है सिग्नल प्रोसेसिंग जी। तो सिग्नल प्रोसेसिंग जितनी भी है जो कि आगे यूज होती है सेलुलर टेक्नोलॉजी में, यूज होती है आपकी जो है वो ये इवन के ब्रेन में जो वेव्स के रेलिवेंट चीजों पर रिसर्च होती है उसमें यूज होती है, रडार टेक्नोलॉजी में यूज होती है, तो उसके अंदर जो है वो सिग्नल प्रोसेसिंग में भी इसका यूज किया जाता है। और एसी करंट्स, ये जो अल्टरनेटिव करंट्स आप डील करते हैं, एसी करंट्स हैं, एसी करंट्स जो होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इन द शेप ऑफ वेव्स मूव करते हैं। तो जब डिफरेंट वेव्स को आपने कंबाइन करना होता है तो वहां पे जस्ट विद द रियल नंबर्स या रियल लाइन उनको करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वैल्यूज रियल लाइन से हटके भी आ रही होती हैं, तो इसलिए वहां पर भी इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी एक्सिस का जो है वो यूज करना पड़ता है। उसके साथ उसके बाद फ्रैक्टल्स जो है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स से जो रेलिवेंट है, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड जानते हैं वो जानते हैं कि ग्राफिक्स के अंदर जो है फ्रैक्टल्स का यूज कितना ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उनके अंदर ये जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं या इमेजिनरी नंबर्स हैं उनका यूज है। उसके अलावा यानी ये बेसिकली जो है रियल लाइन से हटके नंबर्स को लोकेट करने के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको आप जब सॉल्व करते हैं तो उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए जो कि रियल लाइन से हटके हों वहां पर भी इमेजिनरी नंबर्स का यूज है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। रियल नंबर्स जो है अगर हम पुराने वक्तों में देखें तो रियल नंबर्स और पॉइंट्स जो थे इनको हम कंसीडर करते थे यानी डिफरेंट थिंग्स, कि नंबर्स को हम अलजेब्रा में स्टडी करते हैं और पॉइंट्स को हम ज्योमेट्री में स्टडी करते थे। लेकिन उसके बाद एक मैथमेटिशियन था रेने डिकार्टस, उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, उसने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ये पॉइंट्स और ये जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट नहीं है बल्कि ये सेम थिंग है रियल लाइन पे, क्योंकि रियल लाइन पे आप अगर देखें तो हर पॉइंट के अकॉर्डिंग एक रियल नंबर है और हर रियल नंबर के अकॉर्डिंग एक पॉइंट है। तो यहाँ वहां से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला। अब जब पॉइंट्स और नंबर्स रियल लाइन पे सेम थिंग हो गए तो फिर वहां से दो हमारे पास नए कॉन्सेप्ट्स आए। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि एडिशन इज ट्रांसलेशन ऑन रियल लाइन। ट्रांसलेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाएं, यानी कोई भी चीज जो एक सिंगल डायरेक्शन में एक जगह से आगे दूसरी जगह मूव हो जाती है या पीछे मूव हो जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह एडिशन जो है वो रियल लाइन के ऊपर एक ट्रांसलेशन है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, मसलन नंबर्स में हम देखते हैं कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो आप ज्योमेट्री में जाके इसी जमा को हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे। देखें ये रियल लाइन है, इधर जीरो है, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, अब हमें करना है 2 प्लस 3। देखिए यहाँ पे फर्ज कर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, हम देखते हैं जबरे में 2 प्लस 3 5 ही होता है। अब रियल लाइन पे इसको किस तरह से हम ट्रांसलेशन के तौर पर देखते हैं, तो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास देखें ये एक रियल लाइन है, सेंटर में इसके जीरो है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है। अब 2 प्लस 3
का मतलब है कि सबसे पहले यहाँ हमने कोई मतलब खड़े हैं या हमारे पास कोई चीज़ है, हमने सबसे पहले इसे दो पॉइंट्स मूव किया, फिर आगे और थ्री पॉइंट्स मूव कर दिया, तो हमने देखा जो चीज़ यहाँ थी वो आगे यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई, यहाँ जो कि इसके इस पॉइंट के करस्पॉन्ड फाइव है, तो इसका मतलब है टू प्लस थ्री का आंसर जो है वो हमारे पास फाइव होगा। इसी तरह से 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है। अब रियल लाइन पे अगर जाएं तो यहाँ देखें हमारे पास ये ओरिजिन है, जीरो है, इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। सबसे पहले हम यहाँ थे, हमने सबसे पहले 4 पॉइंट्स मूव किया, फिर आगे और 2 पॉइंट्स मूव किया, तो हम पहुंच गए 6 के ऊपर। तो देखिए यहाँ से कोई भी चीज़ अलॉन्ग दिस रियल लाइन या स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेट होकर यहाँ तक पहुँच गई। तो इन दो एग्जाम्पल से हमारे लिए ये समझना आसान है कि जो एडिशन है जस्ट नथिंग बट ट्रांसलेशन है ऑन द रियल लाइन। अब उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्केलिंग है, यानी इसमें दो फिर टाइप इसमें कह रहे हैं कि दो कैटेगरीज हो जाती हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन या तो चीज़ को बढ़ा देती है क्योंकि स्केलिंग का मतलब होता है या किसी चीज़ का एनलार्ज हो जाना या उसका रिड्यूस हो जाना। तो यहाँ दो केसेस हमारे पास बन सकते हैं, एक है डाइलेशन का यानी किसी चीज़ की लेंथ का बढ़ जाना, या कॉन्ट्रैक्शन है यानी किसी चीज़ की लेंथ का कम हो जाना, स्मॉल हो जाना। लेट्स से फर्स्ट को हम देखते हैं कि 2 इंटू 3 जो है इज इक्वल टू 6 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने 2 नंबर्स को आपस में बाइंड कर दिया, यानी इनका आप समझ लें कि एक बंडल बना दिया। तो इस बंडल को आपने 3 टाइम्स, यानी ये 2 था तो इसको आगे इस 2 का 3 टाइम्स आगे लेके जाना है, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचाया एक दफ़ा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाया। तो ये 3 स्टेप आपने यानी 3 जंप लगाए हैं जो कि जिनकी मैग्नीट्यूड 2 है, यानी 2 मैग्नीट्यूड के 3 जंप जब आपने लगाए हैं तो आप पहुंच गए 6 पे। इट मीन्स 2 इंटू 3 जो है उसका आंसर 6 है, यानी आपने 2 को 3 टाइम्स बढ़ा दिया। इसी तरह से अगर 3 इंटू 3 लें तो आपने 3 को 3 टाइम्स बढ़ाना है, यानी 3 का आपने एक बंडल बना लेना है, उसके 3 जंप लगवाने हैं, यानी यहाँ से आपने एक जंप लगवाया यहाँ ले गए, यहाँ से दूसरा जंप है यहाँ, और यहाँ से तीसरा जंप 9 पे चले गए आप। इसी तरह से अगर हम कॉन्ट्रैक्शन को देखें तो कॉन्ट्रैक्शन मींस आपने चीजों को स्मॉल करना है। स्मॉल कैसे करना है? जैसे 4 आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो आपने सबसे पहले देखा यहां से 4 आपके पास, ये 4 का बंडल बनता है, फिर वो कह रहा है 1/2 कर दें, यानी इसको हाफ कर दें 4 के, यानी दो हिस्से करें और एक हिस्सा ले लें एक छोड़ दें। तो 4 के अगर दो हिस्से करें तो वो 2-2 के बनते हैं, तो एक हिस्सा हम ले लेंगे, हाफ ले लेंगे तो छोड़ देंगे, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या रह गया? 2। यानी अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन ने 4 को स्मॉल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 2 तक। इसी तरह अगर -6 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास अलजेब्रिकली -2 आता है। अगर इसको हम रियल लाइन पे देखना चाहें ज्योमेट्री में, तो देखें यहाँ ये ओरिजिन 0 है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये -6 है, यानी ये -6 का एक आपके पास बंडल आपने बना लिया, एक गठा बना लिया। अब इसको 1/3 करना है, इसमें इसका मतलब है इसके 3 पोर्शन करके उनमें से एक पोर्शन जो है वो ले लेना है, बाकी डिलीट हो जाएगा। तो अगर इसके आप 3 पोर्शन करेंगे तो वो 2-2 के बनेंगे, तो 1/3 मींस आपने इसका तीसरा हिस्सा लेना है, इसका तीसरा हिस्सा बनेगा ये आपके पास -2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -2 जी। नेक्स्ट देखें, हम बात कर रहे थे स्केलिंग की। पहले हमने पॉजिटिव नंबर से देखा, अगर हम देखते हैं कि -1 जो है इसकी ज्योमेट्रिकली -1 को किसी भी नंबर पे ऑपरेट करें तो व्हाट डज इट मीन। देखिए -1 को हम लिख सकते हैं -1 × 1। अब ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है कि ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, ये राइट पे पॉजिटिव 1 है, लेफ्ट पे जो है वो -1 है। अब -1 × 1 यानी बेसिकली आपने इस 1 को जो है वो नेगेटिव साइड पे एक यूनिट ले जाना है, यानी 1 को -1 टाइम्स आपने जो है स्केल करना है, यानी ये आपके पास 1 यूनिट है। -1 मीन अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको जो है वो एक यूनिट ले जाएंगे। जब अपोजिट यूनिट डायरेक्शन में एक यूनिट लेके जाएंगे तो आप पहुंचेंगे -1 पे। अब ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो ये आपने यहाँ से ये 1 जो है इसकी रोटेशन स्टार्ट हुई और ये चलता हुआ ट्रांसलेट होता हुआ यहाँ तक आ गया। इट मीन्स इसने कितना एंगल कवर किया? 180 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है जो -1 को अगर हम एक ऑपरेटर के तौर पे, एक जो है वो ट्रांसफार्मर के तौर पे लें, तो ये किसी भी नंबर को 180 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ से हमें ये पता चल गया, यानी -1 जो है करस्पॉन्ड करता है, ताल्लुक रखता है टू रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हम -1 से तो बड़ी दफ़ा मल्टीप्लाई करते रहे लेकिन हमने आज तक इस पहलू को जो है ना वो इस तरह कभी सोचा ही नहीं। यानी ये -1 जो है इसकी इससे मल्टीप्लाई करने की जो है वो ज्योमेट्रिकली कितनी जो है ना वो हमारे पास वैल्यू है, या वो कितना इसका स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है कि वो नंबर को उठाता है और 180 डिग्री में जो है ना वो रोटेट करके ले जाके ट्रांसलेट करके हमें दे देता है। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होगा कि 1 को अगर देखें तो ये है -1 × -1/1, यानी बेसिकली 1 कैसे आता है, -1 को 2 दफा ऑपरेट कराने के। अब उसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ ये 1 है,
एक दफा आपने माइनस वन ये वाला अप्लाई किया तो उसने इसे यहां से उठाया 180 डिग्री रोटेट करा के माइनस वन पे रख दिया। उसके बाद एक और माइनस वन जब इस पे ऑपरेट हुआ तो उसने फिर यहां से इसे उठाया और दोबारा वन पे ले गया। इट मींस कि ये दो रोटेशंस जो है ये मिलके इसको 360 डिग्री रोटेट कर दिया अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, आपको अगर आर्बिट्रेरी नंबर एक्स है व्हाट इज इट मीन कि अगर माइनस एक्स का क्या मतलब है, माइनस एक्स का मतलब होगा माइनस वन इंटू एक्स, माइनस ये x है, माइनस वन क्या करेगा इसे यहां से पकड़ेगा ऐसे घुमाता हुआ 180 डिग्री रोटेट करा के यहां रखेगा माइनस एक्स के ऊपर, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा माइनस एक्स। अच्छा, इट मींस ये तो बात एस्टेब्लिश हो गई ना, हमारे पास ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि माइनस वन जो है इसका मतलब है वन हाफ रोटेशन, माइनस वन करस्पॉन्ड टू रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, और इसी तरह से माइनस वन स्केयर मीन फुल रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। अब आगे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि ये तो वो रोटेशंस हैं जो कि रियल लाइन से ही उठाती हैं चीज को, वापस रियल लाइन पे रख देती हैं। क्या हो कि अगर कोई ऐसी रोटेशन आ जाए जिसका इख्तिताम रियल लाइन पे ना हो, वो रियल लाइन से ऊपर या रियल लाइन से नीचे उसका इख्तिताम हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? उसके लिए देखें, माइनस वन को हम लिख सकते हैं माइनस वन की पावर वन इंटू वन, तो माइनस वन की पावर वन जो है वन को हम ब्रेक कर सकते हैं वन बाय टू प्लस वन बाय टू, यानी हाफ प्लस हाफ। इट मींस इसको लिख सकते हैं लॉज ऑफ जो हमारे पास रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट के लॉज हैं कि माइनस वन की पावर वन बाय टू इंटू माइनस वन की पावर वन बाय टू अपॉन वन। तो ये हो गया आपके पास माइनस वन का स्केयर रूट, ये भी आपके पास माइनस वन का स्केयर रूट इंटू वन, ये तो आ गया हमारे पास अलजेब्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली देखते हैं, देखिए यानी माइनस वन था यानी ये वन है, यहां से माइनस वन की पावर 1 बाय 2 का मतलब है यानी 180 का हाफ और 360 का क्वार्टर, यानी बेसिकली ये माइनस 1 करस्पोंड करता है रोटेशन थ्रू 180 डिग्री को, माइनस 1 की पावर 1 बाय 2 जो है ये माइनस 1 की जितनी रोटेशन है उसका हाफ। अब माइनस 1 की रोटेशन है 180 तो उसका हाफ कितना होगा 90। इट मींस कि ये एक माइनस 1 जो स्केयर रूट है ये 1 को यहां से पकड़ेगा और 90 डिग्री रोटेट करके यहां छोड़ देगा, लेकिन यहां तो हमारे पास रियल लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी रोटेशन है ये अबव द एक्स एक्सिस चली गई। तो इस रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नया एक्सिस इंट्रोड्यूस कराया जिसको बाद में हमने इमेजिनरी एक्सिस या कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाए तो इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये जो 90 डिग्री की रोटेशन है जिसे माइनस वन का स्केयर रूट कहते हैं, ये हमने हमें यहां पे एक नंबर देती है, इस नंबर का नाम हमने बाद में आयोटा रखा, इमेजिनरी नंबर रखा क्योंकि इनको इमेजिन करना पड़ता है, ये रियल नहीं है इमेजिनरी है। तो इस इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसका इसको इमेजिनरी नंबर या आयोटा कहते हैं। ठीक है जी, अब एक और अगर हम इस पे माइनस वन अप्लाई करते हैं तो ये एक और 90 डिग्री रोटेट करेगा तो अल्टीमेटली आंसर आपको माइनस वन देगा। तो यहां से ये बात सामने आई कि स्केयर रूट माइनस वन जो है इट करस्पोंड टू रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री है ये करस्पोंड करेगी टू इमेजिनरी नंबर आयोटा, यानी 90 डिग्री की रोटेशन जो है वो ऑलवेज हमें एक इमेजिनरी नंबर जो है वो देगी, और इमेजिनरी नंबर्स जो है वो बेसिकली क्या है, नथिंग है, लेकिन वो हमारे पास क्वार्टर रोटेशन है किसी भी नंबर की, यानी आप किसी भी नंबर को क्वार्टर रोटेशन यानी थ्रू 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड एन इमेजिनरी नंबर, और उस इमेजिनरी नंबर जिसे माइनस वन का स्केयर रूट कहते हैं उसका नाम हमने रख लिया है आयोटा। जी नेक्स्ट हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा की तरफ बढ़ते हैं कि आयोटा की जो इंटीग्रल पावर्स हैं उनको कैसे इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले आप देखें कि आयोटा है आपके पास स्केयर रूट ऑफ माइनस वन, इसका मतलब है आयोटा स्केयर जो है दैट इज इक्वल टू माइनस वन। अब सबसे पहले आयोटा स्केयर को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, आयोटा स्केयर का मतलब है आयोटा इंटू आयोटा अपॉन वन। तो सबसे पहले देखिए जब एक आयोटा फर्स्ट वाला आयोटा वन पे जो है वो ऑपरेट करेगा तो वो वन को 90 डिग्री से रोटेट करके यहाँ पे ले आएगा विच इज आयोटा। अगेन दूसरा आयोटा जब उस पर ऑपरेट करेगा यानी एक और आयोटा आएगा तो वो ये जो पहले इसका जो आंसर है उसको थ्रू 90 डिग्री रोटेट करेगा, यानी यहाँ से अब ये इसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो इसका मतलब है आंसर आ गया माइनस वन, यानी आयोटा स्केयर हमारे पास माइनस वन आ गया। नेक्स्ट आयोटा क्यूब को अगर हम देखते हैं तो उसको लिख सकते हैं आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, तो आपको पता है कि आयोटा स्केयर माइनस वन है और इंटू आयोटा होगा तो आंसर माइनस आयोटा आएगा। अगर इसी को ज्योमेट्रिकली देखना हो तो ये आयोटा सबसे पहले जो आयोटा स्केयर है वो हमने अभी देखा कि वन को 180 डिग्री के थ्रू माइनस वन के ऊपर जो है ना वो मैप कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आयोटा है वो क्या करेगा, वो माइनस वन को अगेन 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करेगा तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा पावर फोर जो है वो आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर है, तो यहां से क्या होगा आयोटा स्केयर मींस रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, यानी 1 से जो है ना वो ये शिफ्ट हुआ माइनस 1 पे, अगेन आयोटा स्केयर नेक्स्ट वाला जब ऑपरेट करेगा तो वो भी 180 की रोटेशन देगा तो यहां से आप दोबारा 1 पे आ गए। अगर आप इन चारों वैल्यूज को देखें, आयोटा स्केयर वाज दी माइनस 1, यानी हमारे पास सबसे पहले सिंगल आयोटा था,
फिर एटा की पावर टू ली तो वो माइनस वन, एटा की पावर थ्री ली तो माइनस एटा, एटा पावर फोर लिया तो वन। तो यहां से हम एक सर्कल के थ्रू इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1 से हमने 90 की रोटेशन ली तो आयोटा पे चले गए, आयोटा से फिर हमने एक और 90 यानी 180 की रोटेशन की तो माइनस वन से फिर एक और 90 यानी 270 की रोटेशन की तो पॉजिटिव आयोटा, फिर एक और 90 ऐड किया तो 360 की टोटल रोटेशन जो है वो अगेन हमें 1 पे ले आई। तो ये एक साइकिल के थ्रू हम जो है ना इसको एक सर्कल के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आयोटा पावर 5 को एवेलुएट किया तो वो भी आयोटा आ गया, आयोटा पावर 6 का आंसर माइनस 1 है, आयोटा पावर 7 का आंसर माइनस आयोटा है। तो अगर इसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो दो कैटेगरी हो सकती है, या तो आयोटा की पावर इवन होगी या ऑड होगी। अगर इवन होगी तो इवन नंबर को हमेशा हम 2n लिखते हैं, जैसे 4 है तो उसको 2 इंटू 2, 6 है तो 2 इंटू 3, 8 है तो 2 इंटू 4, यानी 2 इंटू सम नेचुरल नंबर जो है वो इवन नंबर को लिखते हैं। तो ये आयोटा पावर 2n है तो यहाँ आयोटा स्केयर की पावर n लिखा जा सकता है, आयोटा स्केयर जो है ये आपके पास माइनस 1 है तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है माइनस 1 की पावर n। अब यहाँ इसके दो सोल्यूशन आ सकते हैं, अगर तो n की वैल्यू इवन होगी तो माइनस 1 की पावर सम इवन नंबर लेंगे तो वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, अगर यहाँ ऑड नंबर आएगा यानी एन ऑड होगा तो माइनस वन की पावर ऑड जब आप लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस वन आएगा। तो ये इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी अगर आयोटा की पावर इवन नंबर होगी तो या पॉजिटिव वन होगा सॉल्यूशन या माइनस वन होगा। अगर यहाँ एन जो है वो इवन होगा यानी टू इंटू इवन नंबर होगा तो आंसर पॉजिटिव वन आएगा, टू इंटू ऑड नंबर होगा तो आंसर माइनस वन आएगा। नेक्स्ट है ऑड नंबर, अगर एन ऑड हो, अब कोई भी ऑड नंबर जैसे 5 है तो उसे आप लिखते हैं 2 into 2 + 1, 2 into some natural number + 1, इसी तरह 7 है तो उसको 2 into 3 + 1, तो ऑड नंबर हमेशा 2n + 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। इसे अगर लहदा करें तो ये आयोटा की पावर 2n into आयोटा हो सकता है, आयोटा की पावर 2n, उसी तरह से आयोटा स्केयर की पावर n है into आयोटा, ये माइनस वन की पावर n into आयोटा आ गया। यहाँ अगेन दो सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ n इवन होगा तो माइनस वन की पावर इवन नंबर और वो होगी पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 इंटू आयोटा आंसर आएगा आयोटा, यानी इसका आंसर आयोटा होगा अगर n इवन है, और अगर n ऑड होगा तो माइनस 1 की पावर सम ऑड नंबर अगर आप लेंगे तो वो माइनस 1 होगा, माइनस 1 इंटू आयोटा जो है वो माइनस आयोटा आएगा। इट मींस अगर n यहां पर ऑड होगा तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस आयोटा आएगा। तो यहाँ इंटीग्रल पावर्स को अगर हम सम अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर अगर आपके पास इवन नंबर होगी तो फिर उसका आंसर हमेशा आपके पास या 1 होगा या माइनस 1 होगा, अगर आयोटा की पावर 2 इंटू इवन नंबर होगी तो पॉजिटिव 1 होगा, 2 इंटू ऑड नंबर होगी तो माइनस 1 होगा। इसी तरह अगर आयोटा की पावर ऑड नंबर में है तो 2 इंटू सम नंबर प्लस 1, ये अगर फॉर्म बनाएंगे तो वो 2 इंटू वाला जो नंबर होगा अगर वो ऑड होगा तो आपके पास इसका आंसर जो है वो माइनस आयोटा आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव आयोटा आएगा। इसी तरह से अगर कंजेक्टिव पावर आयोटा को प्लस करना चाहें तो आप देखें आयोटा प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 अगर सिंपलीफाई करें तो 0 आंसर आता है। यहां से हम कह सकते हैं सम ऑफ कंजेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा जो है विल बी इक्वल टू 0। आगे इसको हम हायर पावर्स के ऊपर भी अप्लाई करके इस प्रिंसिपल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आयोटा का इनवर्स यानी आयोटा रेज्ड टू पावर माइनस 1 देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा, फिर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करेंगे। ये जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू आयोटा जो है विल बी इक्वल टू आयोटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा जो है वो आयोटा स्केयर है विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा। यहाँ देखिए ये आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है और ये कितना आ गया माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा उसका एडिटिव इनवर्स भी है। तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, देखिए कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा हो, वहां मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो और होते हैं, एडिटिव इनवर्स और होते हैं, लेकिन आयोटा जो है वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग नंबर है जिसके अंदर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स जो है वो सेम है। अब उसके बाद आपके पास ये है, एक एक्सरसाइज के तौर पर इसको लेते हैं कि आयोटा की पावर माइनस एन क्या होगा, यानी हमने पहले आयोटा की पावर पॉजिटिव एन तो देख लिया, आयोटा की पावर माइनस एन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर एन। अब यहाँ फिर डिपेंड करेगा एन इवन है या ऑड है, दो केसेस होंगे, अगर एन इवन है तो इसका मतलब है इवन नंबर को हम 2n की तरह फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा 1 ओवर आयोटा की पावर 2n, यहां से 2n आयोटा स्केयर की पावर n होता है, आयोटा स्केयर माइनस 1 है तो ये हो गया माइनस 1 की पावर n। अब अगर तो ये n इवन होगा अगेन उसी तरह से तो ये नीचे वाला आंसर जो है ये पॉजिटिव 1 होगा, 1 ओवर पॉजिटिव 1 आंसर 1 आ जाएगा। अगर ये ऑड होगा तो ये नीचे वाला आंसर माइनस 1 होगा, 1 ओवर माइनस 1 आंसर माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर ये नीचे n ऑड है तो फिर हम n को लिखेंगे 2n + 1, तो ये नीचे इसको अगर हम सेपरेट करेंगे आयोटा पावर 2n इंटू आयोटा तो ये बनेगा आपके पास नीचे देखिए आयोटा स्केयर की पावर n इंटू आयोटा, ये माइनस 1 होता है तो ये बन गया माइनस 1 की पावर n इंटू आयोटा। यहाँ अगेन दो केसेस है, अगर तो n इवन, अगर आपके पास n इवन होगा तो माइनस 1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 इंटू आयोटा आयोटा तो 1 ओवर आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी आपके पास इस 1 ओवर आयोटा n की आंसर माइनस आयोटा आएगा अगर ये n इवन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर ये n ऑड है तो माइनस 1 की पावर सम ऑड नंबर,
माइनस वन, माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा, तो वन ओवर आयोटा जो है वो आपके पास आयोटा है और साथ माइनस भी है, वन ओवर आयोटा माइनस आयोटा है और साथ माइनस है तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, जबकि एन अगर ऑड होगा तो। तो इस तरह से ये आयोटा की पावर नेगेटिव नंबर्स को भी हम इस तरह से जो है वो अवेलुएट कर सकते हैं। देखिए जैसे एक्सरसाइज अगर हम लें कि ये हायर कंजेक्टिव पावर्स हैं, आयोटा की पावर 2n माइनस 1 प्लस आयोटा की पावर 2n माइनस 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको कि हम इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 2n इनटू आयोटा की पावर माइनस 2, वो जो माइनस 2 है वो नीचे आयोटा स्क्वायर बन गया, प्लस ये इसी तरह से एयोटा की पावर 2n इनटू एयोटा की पावर माइनस 1, वो जो एयोटा की पावर माइनस 1 है वो नीचे जाके एयोटा की पावर पॉजिटिव 1 हो गया, ये वैसे ही एयोटा पावर 2n है, इसको लिखेंगे एयोटा की पावर 2n इनटू आयोटा। अब एयोटा पावर 2n हमने अंदर से कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1 ओवर एयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये वाला जो आंसर है कॉमन लेने के बाद माइनस 1 आएगा, यहां से एयोटा पावर 2n कॉमन तो रह गया 1 ओवर एयोटा, और 1 ओवर एयोटा हमने अभी देखा है वो होता है माइनस एयोटा, यहां से ये कॉमन चला गया आयोटा पावर 2n तो जस्ट 1 आ गया, यहां से आयोटा पावर 2n कॉमन चला गया तो जस्ट आयोटा रह गया, माइनस आयोटा कैंसिल आउट विद पॉजिटिव आयोटा, माइनस 1 इज कैंसिल आउट विद पॉजिटिव 1, ये आंसर 0 है, 0 इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0। तो वही प्रिंसिपल हायर पावर्स पे भी अप्लाई होता है। यहां जनरली जनरलाइज करके रिजल्ट को कह सकते हैं कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के जो अलजेब्रा के असूल है वो यहां हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जो अलजबरा के रियल नंबर्स के अलजबरा के असूल हैं वो याद रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर्स में उन असूलों को उन कवानीन को आप अप्लाई नहीं कर सकते, इनके अलजबरा जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का अलजबरा जो है वो बिल्कुल अलहदा टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि एयोटा प्लस की अलामत प्लस होती है कि माइनस होती है, यानी एयोटा प्लस है या नेगेटिव है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं अगर एयोटा पॉजिटिव है यानी एयोटा ग्रेटर देन जीरो है, अब यहाँ हम ये कर रहे हैं मान रहे हैं तसव्वुर कर रहे हैं कि एयोटा ग्रेटर देन जीरो है, तो दोनों तरफ एयोटा से मल्टीप्लाई करें, इस तरफ हो गया आयोटा इंटू एयोटा, इस तरफ जीरो इंटू एयोटा अगेन जीरो, और ये हो गया आयोटा स्केयर माइनस वन है, ये आ गया माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, जो कि फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव नंबर कभी भी ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये एस्टैब्लिश हुआ कि हम आयोटा को पॉजिटिव तो नहीं ले सकते, तो क्या है कि फिर नेगेटिव ले सकते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। आयोटा लेस देन जीरो, तो यहां से फिर आयोटा इंटू आयोटा इधर जीरो इंटू आयोटा, यानी आयोटा स्केयर लेस देन जीरो, स्केयर ऑफ एनी नंबर लेस देन जीरो, ये फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब है हम ये भी पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते क्योंकि किसी भी नंबर का स्केयर हमने यही पढ़ा कि ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट मींस आयोटा को लेस देन जीरो भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि आयोटा जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसकी कोई अलामत नहीं है। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।